हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 12 के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण लीडिंग केसेस आज हम लोग पढ़ेंगे, और ये जो केस हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर आपको जब भी सेक्शन 12 लिखना होगा तो ये दो में से किसी एक केस को आपको इलस्ट्रेशन में देना ही चाहिए, जिससे आपका जो आंसर है वो अधिक क्लियर हो। तो ये जो केस है, ये द टाइम रिक्विजिट और ऑब्टेनिंग जो वर्ड यूज किए गए हैं सेक्शन 12 में, जो ये फ्रेजेज यूज की गई हैं, इनको स्पष्ट करते हैं ये केस। चूंकि द टाइम रिक्विजिट क्या होता है या क्या होना चाहिए, इसको इस केस के माध्यम से बताया गया है। और जो सर्टिफाइड कॉपी लेने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को रिक्विजिट होना चाहिए, ऐसा ये केस हमें समझा रहा है। तो हमें ये समझना है कि सर्टिफाइड कॉपी लेने में कोर्ट से जो भी समय लगेगा उसे उपयुक्त तो होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए, ऐसा टाइम होना चाहिए। तो हम कैसे पता करें कि वो टाइम प्रॉपर है, रिजनेबल है? क्योंकि इसके लिए कोई फिक्स रूल नहीं है हमारे लॉ में, और ना ही फिक्स किया जा सकता है। तो वो हम इन केसेस के माध्यम से, जो हमारा मार्गदर्शन माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया है, उसके माध्यम से ही हम ये सब समझ सकते हैं। तो ये केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस महाराज नारायण, AIR 1968, SC 960। ये इसका साइटेशन है। अब आप देखें, कोर्ट ने इस केस में स्पष्ट किया है कि द वर्ड्स रिक्विजिट एंड ऑब्टेनिंग, इन दोनों वर्डों को इस केस में, इन दोनों शब्दों को बताया गया है, स्पष्ट किया गया है, इनकी मीनिंग को क्लियर किया गया है। तो द वर्ड्स रिक्विजिट एंड ऑब्टेनिंग मीन्स दैट सम डिफिनेट, ये देखिए, ये याद करना भी पड़ेगा आपको, सम डिफिनेट स्टेप शुड बी टेकन बाय द अपीलेंट। अभी आगे क्लियर करेगा, सम डिफिनेट स्टेप शुड बी टेकन बाई द अपीलेंट और द अप्लीकेंट। स्थिति जैसी भी हो, यह अपीलेंट हो सकता है या अप्लीकेंट हो सकता है, उसके द्वारा सम डिफिनेट स्टेप शुड बी टेकन बाई द अपीलेंट और द अप्लीकेंट हिमसेल्फ स्वयं टुवार्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द कॉपी। कॉपी प्राप्त करने के लिए या प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ निश्चित कदम, सम डिफिनेट स्टेप शुड बी टेकन, लिए जाने चाहिए, उठाए जाने चाहिए बाय द अपीलेंट और द अप्लीकेंट हिमसेल्फ, स्वयं के द्वारा, ये उन्होंने कहा। इससे उसकी उसका जो डिलीजेंट होना प्रदर्शित होता है, अगर वो कुछ ऐसे निश्चित स्टेप लेता है फॉर द अटेनमेंट ऑफ द कॉपी, ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी, इसके लिए तो उसका डिलीजेंट होना प्रदर्शित होता है। कोर्ट ने आगे कहा कि एनी फेल्योर, यानी कि एनी फेलियर इन रिजनेबल डिलीजेंस, किसी भी तरह की असफलता,
इन रीजनेबल डिलीजेंस, जो भी उपयुक्त या तार्किक डिलीजेंस है, उसकी उत्तमता है, उसमें एनी फेल्योर इन रीजनेबल डिलीजेंस व्हिच प्रोड्यूसेस अननेसेसरी डिले, जो कि अनावश्यक डिले को उत्पन्न करती है या पैदा करती है अनावश्यक डिले, अनावश्यक देरी एट वन और मोर ऑफ द सेवरल स्टेजेस। ये जो सेवरल स्टेजेस हैं वो हैं इन ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द डिग्री। तो कॉपी ऑफ द डिग्री प्राप्त करने की दिशा में उठाए गए कदमों में अनावश्यक देरी, अनावश्यक देरी जो रीजनेबल नहीं है, या अनावश्यक देरी जो कि अपीलेंट या अप्लीकेंट ने की है, वो क्या करेगी, वो जो अनावश्यक देरी है विल डिस इंटाइटल द अपीलेंट टू क्लेम। यह देरी उसको डिस इंटाइटल कर देगी, किसको, द अपीलेंट को, काहे में, टू क्लेम होल ऑफ द टाइम एक्चुअली स्पेंट इन ऑब्टेनिंग द कॉपी। तो क्लेम करने में, टू क्लेम होल ऑफ द टाइम एक्चुअली स्पेंट इन ऑब्टेनिंग द कॉपी, जो एक्चुअली में टाइम स्पेंट किया गया है उस कॉपी को ऑब्टेन करने में, उस पूरे समय को क्लेम करने से अपीलेंट या अप्लीकेंट को डिस इंटाइटल कर देगी। कौन कर देगी, वह असफलता, एनी फेलियर इन रीजनेबल डिलीजेंस व्हिच प्रोड्यूसेस अननेसेसरी डिले एट वन आर मोर ऑफ द सेवरल स्टेजेस इन ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द डिक्री। तो डिक्री है, ऑर्डर है, अपील है, तो कोर्ट ने कुल मिलाकर के ये कहा कि अप्लीकेंट या अपीलेंट को डिलीजेंट होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए, और आवश्यक, उचित और उपयुक्त समय के अंदर उसे अपने स्टेप उठाने चाहिए। यदि वह आवश्यक, उपयुक्त और तार्किक समय के अंदर अपने कदम नहीं उठाता है, अनावश्यक देरी करता है, तो ये अनावश्यक देरी उसे पूरे टाइम को क्लेम करने के लिए, जो एक्चुअली स्पेंट होना चाहिए, उससे वो डिस इंटाइटल कर देगी वह देरी। और दूसरी बात उन्होंने स्पष्ट किया दूसरे पैराग्राफ में कि द टाइम अननेसेसरी ऑक्यूपाइड इज नॉट टाइम रिक्विजिट। इसका मतलब ये हुआ कि जो अननेसेसरी टाइम को कंज्यूम किया गया है, डिले किया गया है, वो टाइम को हम रिक्विजिट टाइम नहीं मानेंगे, प्रॉपर टाइम नहीं मानेंगे। इज नॉट टाइम रिक्विजिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 12। तो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि धारा 12 के अंदर अननेसेसरी जो टाइम स्पेंट किया गया है, अननेसेसरी जो टाइम स्पेंड किया गया है, अनावश्यक रूप से टाइम को, या लापरवाही से, केयरलेसनेस हो करके स्टेप उठाए गए हैं तो देरी हो गई है, तो इस ये सब सारी चीजें सेक्शन 12 के अंतर्गत नहीं आएंगी। यानी कि अगर आप इस तरह से ज़्यादा टाइम लेते हैं तो उस टाइम को द टाइम रिक्विजिट नहीं माना जाएगा, या सेक्शन 12 के अंदर वो टाइम कवर नहीं होगा, वो स्पष्ट करते हैं। और कोर्ट में इसी केस में ये उदाहरण भी उन्होंने दिया है, स्पष्ट किया है, ये मामला था। तो इस मामले में जो मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल की गई थी वो 29 मार्च को फाइल की गई थी, और जिस ऑर्डर के खिलाफ, अगेंस्ट इस ये अपील फाइल की गई थी, वो ऑर्डर 10 नवंबर 1962 को हुआ था।
कोर्ट ने माना इसमें कि द अपील वाज विद इन टाइम, द अपील वाज विद इन टाइम, कोर्ट ने मान लिया इस बात को कि ये जो अपील थी वो विद इन टाइम थी, एक्सक्लूडिंग द टाइम रिक्विजिट। और ये टाइम रिक्विजिट यानी कि जो प्रॉपर टाइम ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपी में लगा था, वो सर्टिफाइड कॉपी को ऑब्टेन करने में जो लगा था उस टाइम को उन्होंने रिक्विजिट माना। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इतना टाइम रिक्विजिट है, यदि ये टाइम रिक्विजिट टाइम जो कोर्ट ने तय किया है उस टाइम को निकाल करके अगर लिमिटेशन पीरियड के अंतर्गत आता है तो वो विद इन टाइम माना जाएगा। और यही इस केस में हुआ भी था कि जो टाइम पीरियड था उन 10 नवंबर से लगा करके 29 मार्च के बीच का जो टाइम था, उस टाइम के बीच में यदि हम द टाइम रिक्विजिट को निकाल देते हैं तो जो बचता है अगर वो लिमिटेशन पीरियड के अंतर्गत रहता है तो वो उसे हम विद इन टाइम मानेंगे। और कोर्ट ने भी इसको विद इन टाइम माना। तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि क्या कितना टाइम, कैसे टाइम हम इसको निकालें, चूंकि कोर्ट ने कहा कि 15 नवंबर से 3 जनवरी के टाइम को रिक्विजिट टाइम माना इस मामले में। और इस टाइम को यदि हम उस पूरे टाइम से निकाल दें तो जो टाइम बचता है वो लिमिटेशन के अंतर्गत बचना चाहिए। अगर वो लिमिटेशन के अंतर्गत रहता है तो अपील को मान लिया जाएगा। और यही हुआ था इसमें। तो हम ये तीनों डेटों को देखते हैं, इनके बीच में जो गैपिंग है वे भी देखते हैं तो हमें पता लग जाएगा। कोशिश करते हैं कि द रिक्विजिट टाइम को हम कैसे समझ सकते हैं। तो देख लेते हैं कि हम जो अपीलेंट हैं यानी कि इस मामले में 29/3/1963 को अपील फाइल की गई, इन्होंने अपील फाइल की, और जिस ऑर्डर के अगेंस्ट इन्होंने अपील फाइल की वो 10 नवंबर 1962 को इन्हें मिला। यानी कि ऑर्डर जो हुआ वो ऑर्डर हुआ 10 नवंबर 1962 को हुआ। और चूंकि इसे अपील फाइल करनी थी इसलिए इस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए थी, तो सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने के लिए इन्होंने 15 नवंबर 1962 को ही एप्लीकेशन दे दी। एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाई कॉपी के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दे दी, है ना, सर्टिफाइड कॉपी के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दे दी। और ये जो सर्टिफाइड कॉपी है इनको प्राप्त होती है 3 जनवरी को। कहने का मतलब यहां पर यह है कि इस केस में यह हुआ कि कोर्ट ने जब सर्टिफाइड कॉपी को रेडी टू डिलीवरी कर दिया तो जो डेट रेडी टू डिलीवरी के लिए पड़ गई उस सर्टिफाइड कॉपी में, उस डेट को कोर्ट ने माना। अब ये 3 जनवरी उसमें पड़ गई थी। अब भले ये 10 जनवरी को लेने जाते हैं, 15 फरवरी को लेने जाते हैं, तो उससे इधर कोर्ट का कोई मतलब नहीं है। ये तो जो रेडी टू डिलीवरी की डेट है उस डेट को यहाँ पर माना जाएगा। एक केस हम और देखेंगे जिसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि धारा 12 के अंतर्गत कौन सी डेट मानी जाएगी या कौन सी डेट महत्वपूर्ण है जिससे हम द टाइम रिक्विजिट को निकाल पाएंगे। तो ये वो डेट है जो रेडी टू डिलीवरी है।
अब ये रेडी टू डिलीवरी है और उसमें उस सर्टिफाइड कॉपी में ये डेट पड़ गई है। अब भले आप सर्टिफाइड कॉपी 10 दिन बाद लेने जाते हैं, 15 दिन बाद लेने जाते हैं, तो ये 10 दिन 15 दिन नहीं जोड़े जाएंगे, क्योंकि आप डिलीजेंट हैं, आपने एप्लीकेशन डाल रखी है, इसलिए आप पता करते रहेंगे और जितनी जल्दी आप कोशिश करेंगे उतना जल्दी ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी कॉपी रेडी हो गई है डिलीवरी के लिए, आप उसको ले लें। इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। फिर भी 3 को हो गई, आप 10 को ले आइए, 15 को ले आइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कोर्ट इस 3 तारीख को ही मानने वाला है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इनके बीच में गैपिंग कितनी हुई, क्या हो सकता है, क्या वो टाइम के अंदर आ जाएगी ये। तो अब आप देख सकते हैं कि 10 नवंबर को ऑर्डर हुआ था और जिस दिन काज ऑफ एक्शन शुरू होता है उस दिन का, यानी कि जिस डेट को ऑर्डर डिक्री या जजमेंट प्रोनाउंस किया जाता है उस डेट को छोड़ दिया जाता है, तो 10 को हम छोड़ देंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि 29 मार्च को इन्होंने फाइल किया, तो 10 नवंबर के बाद यानी 11 नवंबर से हम काउंट करेंगे और 29 मार्च तक जाएंगे, तो हम देखेंगे नवंबर में अगर 10 को छोड़ देंगे, 30 का नवंबर होता है, तो 20 दिन तो इधर बचेंगे। इसके बाद दिसंबर के हमारे पास 21 दिन आ जाएंगे, जनवरी के हमारे पास 21 दिन आ जाएंगे, फरवरी के हमारे पास 28 दिन आ जाएंगे और इसके बाद मार्च के हमारे पास 29 दिन आ जाएंगे, क्योंकि 29 मार्च को अपील मेमोरेंडम ऑफ अपील को फाइल किया गया है। अगर अब हम इन्हें जोड़ लें तो नाइन फाइव थ्री एट टेन टू ट्वेल्व और वन कैरी आ गया इसका, तो 139 डेज हमारे पास यहां पर आ गए। इतना डेट, इतना टाइम हो चुका है ऑर्डर प्रोनाउंस होने से अपील फाइल करने के बीच में। अब इस पूरे टाइम में कोर्ट कहते हैं कि हम द टाइम रिक्विजिट को एक्सक्लूड कर देंगे। अब टाइम रिक्विजिट देख लेते हैं, चूंकि 15 नवंबर को एप्लीकेशन डाली गई सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करने के लिए, तो उस डेट से काउंट होगा उस डेट तक जो कॉपी सर्टिफाइड कॉपी रेडी टू डिलीवरी है, तो रेडी टू डिलीवरी की डेट तक वो काउंट होगा। तो यहां हम देख लेते हैं 15 नवंबर को एप्लीकेशन दी गई, तो नवंबर में बचे हमारे पास 15 दिन, इसके बाद दिसंबर के तो 31 हो ही जाएंगे, इसके बाद जनवरी 3 जनवरी का टाइम दिया है, 3 जनवरी को ये रेडी टू डिलीवरी हो गई, इस डेट को कोर्ट ने माना। तो इस तरह से यहाँ पर जो टोटल डेज हो गए हमारे पास वो हो गए 69 और 49 डेज हमारे पास हो गए। अब अगर हम इस 49 डेज को यहां से निकाल दें, माइनस कर दें, पूरे टाइम में एक्सक्लूड कर दें, तो हमारे पास 90 डेज बचता है, यानी कि जो 29 तारीख है वो 90वां दिन है और इस अपील को फाइल करने के लिए इसका जो समय सीमा था, परसीमा काल था, वो 90 दिन ही था। तो यानी कि अगर 90वें दिन भी हम अपील को फाइल कर देते हैं तो उसे टाइम के अंदर माना जाएगा। तो इस तरह से कोर्ट ने कहा कि ये विद इन टाइम है द रिक्विजिट, द टाइम रिक्विजिट को एक्सक्लूड करने के बाद।
तो ये था केस जिससे स्पष्ट होता है कि द टाइम रिक्विजिट हम किसको मानेंगे, कितना टाइम हो सकता है वो रिजनेबल प्रॉपर रिक्वायर्ड टाइम कितना हो सकता है, आप कॉपी प्राप्त करने के लिए आपको एक्चुअली में कितना रिक्वायर्ड टाइम, कितना टाइम रिक्वायर्ड था, उस प्रॉपर या रिक्वायर्ड टाइम को ही यहाँ पर रिक्विजिट टाइम बताया गया है और उसके निकालने का एक तरीका भी कोर्ट ने हमको दिया है। इस चीज को एक तरह से और हम सोच सकते हैं कि अगर 15 नवंबर को एप्लीकेशन दी गई है सर्टिफाइड कॉपी को प्राप्त करने के लिए, तो अगर हम उस दिन को भी जोड़ें तो यहाँ पर नवंबर के हमारे पास 60 डेज हो जाएंगे। तो यहाँ अगर 60 डेज हमारे पास हो जाएंगे तो ये 50 भी हो जाएंगे, और अगर ये 50 डेज हमारे पास हो जाएंगे तो यहाँ पर हम 50 माइनस करेंगे, यहाँ पर हम 50 डेज माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 89 डेज बचेंगे। तो दोनों तरह से आप देख सकते हैं, 89 डेज बचेंगे तो भी हम लिमिटेशन पीरियड के अंदर हैं, अगर हम 90वें दिन भी जा रहे हैं अपील फाइल करने तो भी हम लिमिटेशन पीरियड में माने जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम रिक्विजिट टाइम को, प्रॉपर टाइम को, जो रिक्वायर्ड टाइम को बहुत ही शार्पली देखें तो हमें पता चल जाएगा कि ये टाइम रिक्विजिट या रिक्वायर्ड हो सकता है, और इसको ऐसे ही निकाला जाएगा। इसके लिए कोई फिक्स रूल नहीं है, ये पूछा भी जा सकता है इंटरव्यू वगैरह में इसको लेकर के। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के टाइम को निकालने का कोई अभी तक तो फिक्स रूल नहीं है, हमारे पास जो लीडिंग केसेस हैं उन्हीं के माध्यम से ही ये संभव हो पाता है। अब ये दूसरा केस देख लीजिए, ये दूसरा केस सेक्शन 12 से ही संबंधित है। और इसमें भी द टाइम रिक्विजिट को डिफाइन किया गया है, थोड़ा सा यहाँ पर जो कंसेप्ट है कोर्ट का वो थोड़ा सा टाइट है, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। इस केस का नाम है पी थिरमुला वर्सेस अनावेमा रेड्डी AIR 1934 मद्रास 306 306। द कोर्ट लेड डाउन दैट इन सेक्शन 12 द वर्ड्स द टाइम रिक्विजिट फॉर कॉपी मीन्स, इस वर्ड को जो कि सेक्शन 12 के क्लाज 2, 3, 4 में यूज किया गया है, उसका मतलब यहाँ पर इस केस में फिर से बता रहे हैं। द टाइम रिक्विजिट फॉर कॉपी मीन्स द टाइम बियॉन्ड द पार्टीज कंट्रोल, इस केस में ये बताया गया, वो ऐसा टाइम हो जो पार्टी के नियंत्रण से परे हो, वो टाइम लगाया गया हो कॉपी लेने में, कॉपी प्राप्त करने में, वो कंज्यूम किया गया हो टाइम अप्लीकेंट या अपीलेंट के द्वारा, उसको द टाइम रिक्विजिट माना जाएगा। तो द टाइम बियॉन्ड द पार्टीज कंट्रोल ऑक्यूपाइड इन ऑब्टेनिंग द कॉपी व्हिच इज फाइल्ड विद द मेमोरेंडम ऑफ अपील, ये अब उन्होंने कहा कि वो टाइम रिक्विजिट नहीं है, नॉट एन आइडियल लेसर पीरियड व्हिच माइट हैव बीन ऑक्यूपाइड इफ द अप्लीकेशन फॉर कॉपी हैड बीन फाइल्ड ऑन सम अदर डेट। तो यहां उन्होंने स्पष्ट कर दिया, बात वही है, बस सिर्फ उन्होंने इस कंसेप्ट को और क्लियर और थोड़ा सा टाइट शब्दों में बता दिया कि
टाइम ऐसा होना चाहिए जो पार्टी के कंट्रोल से नियंत्रण से परे होना चाहिए, और ऐसा ही टाइम हम रिक्वायर्ड या प्रॉपर टाइम कहा जाएगा, क्योंकि जो टाइम ऑक्यूपाइड किया गया है कॉपी को ऑब्टेन करने के लिए, जो अपील के मेमोरेंडम के साथ फाइल करनी है, वो टाइम पार्टी के कंट्रोल से परे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो टाइम पार्टी कंट्रोल कर रही हो, बल्कि टाइम नेचुरली और एक्चुअली होना चाहिए, एक्चुअली स्पेंट होना चाहिए, और एक्चुअली स्पेंट टाइम जो होता है वो रिक्वायर्ड टाइम होगा, यानी कि कितना टाइम एक्चुअली रिक्वायर्ड है उस सर्टिफाइड कॉपी को प्राप्त करने में, उस कॉपी उस टाइम को द टाइम रिक्विजिट कहा गया। मैं बार बार इस शब्द पर, इस फ्रेज पर जोर दे रहा हूँ, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम को समझना। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और एक बात स्पष्ट की, इसके पहले मैंने बताया कि डेट को लेकर के हम क्या समझेंगे, कौन सी डेट को हम माने कि इस डेट से इस डेट तक रिक्वायर्ड टाइम होगा। पहली डेट तो आपको पता ही है कि जिस दिन एप्लीकेशन दी जाती है सर्टिफाइड कॉपी को प्राप्त करने के लिए, वो तो आपके पास पहली डेट आ ही जाएगी। इसके बाद जब आपको कॉपी प्राप्त होती है, तो जिस दिन आप लेने जाते हैं वो डेट मानी जाए, क्या माना जाए क्या ना माना जाए, तो उन्होंने इसी केस में, पी थिरमुला वाले केस में ही स्पष्ट कर दिया है। ये अच्छा है, जिससे हम लोगों को बड़ी मदद मिलती है कि द टाइम इन बिटवीन द डेट, द टाइम बिटवीन द डेट व्हेन द कॉपी वाज रेडी, व्हेन द कॉपी वाज रेडी एंड द डेट व्हेन द डिलीवरी वाज टेकन कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड, क्योंकि ये दोनों टाइम एक्सक्लूड नहीं किए जा सकते हैं अंडर सेक्शन 12। बिकॉज अंडर सेक्शन 12(2) व्हाट इज मटेरियल, 12(2) के क्लाज में क्या मटेरियल है, तो व्हाट इज मटेरियल इज नॉट द डेट ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ कॉपी नहीं है, यानी कि जिस डेट में आपको कॉपी डिलीवरी की जाती है वो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, और उस डेट तक का टाइम एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है। बट द डेट व्हेन कॉपी वाज रेडी फॉर डिलीवरी, ये वाली डेट महत्वपूर्ण है, लेकिन द डेट व्हेन कॉपी वाज रेडी फॉर डिलीवरी ये डेट महत्वपूर्ण होगी। तो द डेट ऑन व्हिच इट वॉज रेडी इज इंपॉर्टेंट, नॉट द डेट ऑफ कलेक्शन बाई द काउंसिल। तो यानी कि जिस दिन वो कॉपी डिलीवरी के लिए रेडी कर दी गई है, वो डेट इसमें मटेरियल करती है, मटेरियल है, और वो डेट मटेरियल नहीं है जिस दिन आपने या आपके काउंसिल ने कॉपी को कलेक्ट किया है, तो उस डेट से टाइम को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन उस डेट से, यानी कि जिस डेट में आपने एप्लीकेशन दी है और जिस डेट में वो कॉपी रेडी टू डिलीवरी हो गई है, उस डेट को ही एक्सक्लूड किया जाएगा। जिस डेट में आपने कॉपी को ऑब्टेन किया है, उस डेट से उस डेट के बीच का टाइम एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। ये बात स्पष्ट कर दी गई पी थिरमुला वर्सेस अनाबेना रेड्डी के केस में। तो इस तरह से हमें पता चला कि सेक्शन 12 लिमिटेशन एक्ट में जो फ्रेज द टाइम रिक्विजिट और ऑब्टेनिंग द सर्टिफाइड कॉपी को लेकर के विस्तार से वर्णन था, वो हमने यहाँ पर वीडियो में देने की कोशिश की है। वीडियो में मैं बातों को स्पष्ट कर पा रहा हूँ आपके लिए, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन यदि आपको कोई कठिनाई हो रही है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उस पर भी सुधार करने की कोशिश करूँगा, और आशा है कि आप कमेंट करेंगे, मुझे सजेस्ट करेंगे, जिससे मुझे हेल्प मिलेगी और आगे जाने की, अपने चैनल को आगे ले जाने में और आपकी मदद करने में। धन्यवाद।